नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इस खास पेशकश में बात होगी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर। दरअसल रामलला का भव्य मंदिर आकार ले चुका है। पहले चरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने राम जन्मभूमि पथ पर बन रहे भव्य प्रवेश द्वार, कैनोपी, यात्री सुविधा केंद्र के साथ साथ राम मंदिर से जुड़े सभी चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदारों को तय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के लिए निर्देशित भी किया। वहीं उन्होंने खामियों को देखने पर जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। रामनगरी अयोध्या में इस वक्त उल्लास जोरों शोरों से किया जा रहा है। बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। वो जिस तरह से करीब आ रही वो घड़ी, वो शुभ घड़ी जिस तरह से नजदीक आ रही है, सभी राम भक्तों की धड़कने से बढ़ती जा रही है। साथ साथ जो भी जिम्मेदार हैं उनकी भी धड़कने बढ़ती सी साफ देखी जा रही है, क्योंकि वो वक्त ही ऐसा होगा जब देश व विदेश से लाखों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे, देश के तमाम गणमान्य, विदेशों के तमाम गणमान्य अयोध्या की इस धरती पर मौजूद होंगे। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम जन्मभूमि पथ पर, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये वही जगह है जहां पर बस कुछ ही दिनों बाद मतलब 22 जनवरी को एक बहुत ही भव्य व दिव्य एक उल्लास होने वाला है। रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। आज इसका स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी पहुंचे हैं। उन्होंने जो मुख्य द्वार बन रहा है राम जन्मभूमि पथ का, उसका निरीक्षण किया, जो कैनोपी बन रही है उसका निरीक्षण किया, वो भी जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, और जो भी जिम्मेदार हैं उनको एक नसीहत दे रहे हैं कि आपको किस तरह से तय सीमा के अंदर इस काम को कंप्लीट करना है। आपको बताते चले, उन्होंने उन सभी पहलुओं पर पैनी नजर रखी जो बहुत अहम है इस आने वाले उत्सव के लिए, आने वाले महोत्सव को लेकर उन्होंने पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और जिम्मेदारों को नसीहत दी है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। वहीं रामनगरी अयोध्या में सूर्य स्तंभ लगाए जा रहे हैं जो भगवान राम की नगरी में आकर्षण का केंद्र होंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट आप देखिए। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक तैयारी चल रही है। भगवान राम की नगरी में सौर वंश की राजधानी यानी अयोध्या में सूर्य वंश की राजधानी है, और यहाँ पर आप देखेंगे सौर स्तंभ लगाया जा रहा है। यह स्तंभ यहीं से जो रामलला के भक्त होते हैं, यही मेन मार्ग है जो अयोध्या राम मंदिर को जाता है। तो जो भी भगवान रामलला के भक्त अयोध्या आएंगे उनके लिए आकर्षण का केंद्र होगा। सूर्य वंश की राजधानी में 40 ऐसे सूर्य स्तंभ लगाए जाएंगे और 25 राम स्तंभ लगाए जाएंगे, जिसको लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और जल्द ही स्तंभ भगवान राम की नगरी की शोभा बढ़ाएंगे। जनवरी में जब भगवान रामलला विराजमान होंगे उससे पहले अयोध्या की जो सड़कें होंगी, गलियां होंगी, वो चाक चौबंद होगी। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपका सीधा परिचय करा दें। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी हैं। राजू दास जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे संवाददाता अयोध्या से अखंड प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, अनिल मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैन जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन पहले अनिल आपके पास मैं आ रहा हूं। तैयारियां अंतिम रूप में हैं, क्या और अपडेट अयोध्या से आपके पास? देखिए, जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, अयोध्या अपने वैभव को प्राप्त कर रही है जी। गलियां हो, मंदिर हो, मठ हो, जो भी जगह है उनको खूबसूरत बनाने की, समझ लीजिए, मुहिम सी छिड़ गई है कि अयोध्या को कितना खूबसूरत बना दिया जाए। बिल्कुल त्रेता युग में जो तस्वीरें थी उन सभी तस्वीरों को आज अयोध्या की गलियों में उकेरा जा रहा है, या यूं कहें त्रेता युग बिल्कुल साक्षात अयोध्या में उतर कर आ गया है जी। ठीक है, आप अनिल हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा और भी अपडेट के लिए। अब मैं महंत राजू दास जी के पास चल रहा हूँ। राजू दास जी, पूरी अवधपुरी, अकलाई, आवत नगर, कुशल रघुराई, कैसे सर इन तैयारियों को देख रहे हैं आप? बाबा ने लिखा है अयोध्या की महिमा अनंत है। बाबा ने लिखा है कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, जिसका वर्णन करना हमारे जैसे लोगों के मुख से संभव नहीं है। फिर भी अयोध्या जिस प्रकार से त्रेता युगिन बनाने का प्रयास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, भगवान राम के समकालीन अयोध्या कैसे डेवलप हो,
उसमें हर प्रकार के सुख सुविधा हो, रामराज की परिकल्पना, उस रामराज की परिकल्पना में किसी को भी किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, ऐसी योजना, ऐसी रचना बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो कार्य प्रारंभ किया है, मुझको लगता है कि वह घड़ी, वो क्षण, वो पल आपके सामने में वो आ रहा है। और मुझको लगता है कि जो 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के साधु संतों महामंडलेश्वर शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, इनके सानिध्य में, इनके नेतृत्व में जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है, उससे मुझको लगता है दुनिया में राम राज्य स्थापित होगा। और जो प्रयास है अयोध्या, चाहे आप देखिए नया घाट से लेकर शहादतगंज, चाहे वो भक्ति पथ हो, चाहे राम पथ हो, चाहे अयोध्या पंचकोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, चाहे अयोध्या के विभिन्न कुंड हो, तालाब हो, सरोवर हो, हर जिस प्रकार से प्रयास करके आपके अयोध्या से जो जुड़े हुए लोग हैं जी, वो प्रयास, वो आपको बताएंगे भी, प्रयास करके आप देखिए इतना खूबसूरत सूर्य कुंड आप देखेंगे, इतना खूबसूरत सूर्य कुंड की जिसका जवाब नहीं। आप देखेंगे कि जो बहुत पौराणिक स्थल है मणि पर्वत, वहां बगल में गणेश कुंड है, इतनी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। तो जो प्रयास है सरकार का कि हर प्रकार से, और अयोध्या देखेंगे आप जो सिंगारहाट हनुमानगढ़ी जो मुख्य द्वार है, हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि तक, बिरला धर्मशाला से लेकर मुख्य जो द्वार बन रहा है राम जन्मभूमि, ये जो प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति, आप देखिए देश और दुनिया, जब लोग मैक्सिमम 15,000, 20,000, 25,000 लोग आते थे, अब सीधे 1,00,000 लोग हो गए। तो 1,00,000 व्यक्ति आ रहा है, संख्या इतनी तेजी से इजाफा हुई, चाहे टूरिस्ट हो, राम भक्त हो, सनातनी हो, किसी को अयोध्या घूमना हो, किसी को राम जन्म देखना हो, किसी के हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करना हो, किसी के सरजू जी स्नान करना हो, लेकिन ऐसे करके लमसम मुझको लगता है अयोध्या की कोई भी कोना खाली नहीं है। आप फोन करोगे कि भाई साहब कमरा है क्या, बोलेंगे महाराज जी खाली नहीं है जी। एक समय होता था लोग कहते थे महाराज जी किसी को बोल दीजिए मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ यार, मेरा ये कमरा बना है, उठ जाए। आज स्थिति यह हो गई कि इस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को, इसके अलावा नगर निगम को, इसके अलावा और भी संस्थान है, इनको टेंट सिटी बनाना पड़ा है। और टेंट सिटी के माध्यम से लोगों को वहां रख रखाव, रहने की व्यवस्था, या जो 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होना है, इसकी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और मैं मंगल कामना करता हूँ, हर व्यक्ति जो नहीं आ सकता, जो नहीं पहुंच सकता, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, हर व्यक्ति को अपने अपने घरों में 5 दीपक जलाकर भगवान के चरणों में पुष्पांजलि समर्पित करें और प्रार्थना करें कि जो सीमा पे जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए उनकी आत्मा शांति हेतु, एवं इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, मामूली बात नहीं है, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद इतने लाखों राम भक्त ने अपने प्राणों की आहुति दिया, लाखों साधु संत घर से निकलकर, आश्रम से निकलकर, पूजा पाठ को छोड़कर, अनुष्ठान यज्ञ आदि हवन को छोड़कर, गांव गांव गली गली घूमकर सनातनियों को जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप आज अयोध्या में नव भव्य दिव्य रामकालीन त्रेताकालीन अयोध्या डेवलप हो रहा है। इसके नाते मंगल कामना और ढेर सारा आशीर्वाद है। अनिल, अभी महन जी ने जो बातें कही बेहद महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार जो श्रद्धालु आते हैं या जो पर्यटक आते हैं उनसे आप बातचीत करते हैं, या फिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी आपकी लगातार बातचीत होती है, तो क्या कहते हैं वो लोग पर्यटन के लिहाज से ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कितना महत्वपूर्ण वो लोग समझते हैं और बताते हैं? अनिल, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या की जो तस्वीरें हैं दिन ब दिन खूबसूरत होती चली जा रही है। जो रोड पहले सकरे हुआ करते थे उनको 2 लेयर में किया गया है, 4 लेन बनाया गया है, लेकिन जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, बिल्कुल खचाखच पूरा रोड भर जा रहा है। अभी से जब ये तस्वीरें हैं तो 22 जनवरी की तस्वीरें, स्वतः ही अनुमान लगाया जा सकता है कितनी खूबसूरत होगी। जो भी चिन्ह हुआ करते थे त्रेता युग के, वो सभी चिन्हों को आज चौराहों पर, जिससे सभी लोगों की आस्था जो है और परवान पर हो। मैं आपको ये वाक्य बताऊं, ये जो आज राम मंदिर
बनकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है जी। एक कार सेवक के घर में गया था, अपने कवरेज के लिए गया था, वहां पर वो रोने लगे। उन्होंने मुझसे बताया कि न जाने कितने मैंने पाप किए होंगे जो आज तक मुझे ये अभिशाप्त, मेरा पूरा परिवार अभिशाप्त था, आज न जाने कितने पुण्यों का उदय हुआ जो आज कई पीढ़ियों के बाद हम अपने रामलला को मंदिर में विराजमान होते देखेंगे। न जाने कितनी माओ ने अपने न जाने कितनी माओ की गोदी सुनी हो गई, न जाने कितने बहनों के मांग से सिंदूर छीन गया, न जाने कितनी बहनें आज राखी लेकर तड़प रही थी, लेकिन आज उस परिवार ने रोकर मुझसे बताया। मैं अब राजू दास जी के पास चल रहा हूँ। ये जो बातें बहन जी अनिल जो कह रहे हैं, ये वाकई ये संघर्ष जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे और अनिल ने जो जिक्र किया कि इस तरह से भव्य और सुंदर अयोध्या को बनाया जा रहा है कि विदेशों तक इसकी चर्चा हो। नहीं, मैं इसीलिए उंगली उठाया जब उन्होंने कहा कि कितने बहनों की जो है कलाई हाथ से छूट गया कि अपने भाई को राखी बांध सके, कितनी माताएं अपने पति को खो दिया, कितनी माताएं अपने बेटे को खो दिया, तो ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन कोई बात नहीं है, इस चीज को भुलाकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या में जिस प्रकार से, चाहे वो भगवान राम के नाम के एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट के माध्यम से अभी मुझको लगता है 14 या 15 या 18 या 20 तारीख तक वहां पर उसका जो है मुझको लगता है उद्घाटन हो जाएगा, जिससे देश के कोने कोने से जो राम भक्त आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट आना चाहते हैं, टूरिस्ट आने से हमको अब बात ये समझ में आती है कि हम लोग जब पहले शुरू से मांग करते थे कि राम जन्मभूमि के डे टू डे सुनवाई हो, लोग हंसते थे, कहते अरे ये सब बेवकूफ बनाते हैं। उसके बाद कहे कि लोग ये कहते थे, आप लोग भी सुनते होंगे, अरे राम जन्मभूमि क्या खाने के लिए देगा क्या, मंदिर नहीं चाहिए मुझको रोजगार चाहिए, आप लोग डिबेट में सुनते होंगे, तो कहते अरे मंदिर का क्या काम है, मंदिर का क्या जरूरत है, मंदिर से तो सिर्फ बाबाओं का लाभ है, पंडे का लाभ है, पुजारियों का लाभ है और बाकी किसी का लाभ नहीं है। आज अयोध्या का आप स्थिति को जब देखोगे, अयोध्या में आप देखो, चाहे वो ठेला वाला, चाहे ठेलिया वाला, चाहे चाय वाला, चाहे माला वाला, चाहे लड्डू की दुकान हो हनुमान जी के नाम पर, लमसम हनुमानगढ़ी के आसपास 1700 दुकान लड्डू का है, एक नहीं 1700 दुकान लड्डू का है। 1700 दुकान में से कम 1300 दुकान सिर्फ हमारा है जो हनुमानगढ़ी के परिक्षेत्र है। आप समझो कि 1300 प्लस और ये परिवार उस लड्डू माला फूल कलावा चंदन रोली इससे बेचकर अपने परिवार का लालन पालन जीवन यापन करता है, मामूली बात नहीं। अब आ जाइए राम जन्मभूमि, राम जन्मभूमि को देखने के लिए, राम जन्मभूमि तक जाने के लिए, राम जन्मभूमि अगर दर्शन नहीं हो पा रहा है तो रुकने के लिए होटल प्लस ऑटो रिक्शा प्लस सरजू स्नान प्लस टूरिस्ट गाइड, मतलब इतने प्रकार से यह व्यवस्था लोगों को जोर कर राम जी तक पहुंचाता है। तो मुझको लगता है कोई डेवलपमेंट का कार्य, विकास का कार्य, चाहे भगवान राम के नाम की एयरपोर्ट हो, चाहे अयोध्या रेलवे स्टेशन हो, ये जो कनेक्टिविटी है जोर कर और प्रयास किया जा रहा है कि आसपास, अब तो मैं ये देखता हूँ कि अयोध्या के आसपास में भी जगह ढूंढने पे नहीं मिलता, जो जगह हमको मैक्सिमम, थोड़ा समय और लूंगा, जो जगह मैक्सिमम हम लोग को मिल जाता था 4 लाख 5 लाख में, अब किसी से बात करने जाओ बोलता स्वामी जी अब नहीं बेच सकते, खाली नहीं है, सीधे 50 लाख रुपए बताता है। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा, जिसको पूछो महाराज जी एक आश्रम खोलना चाह रहे, महाराज जी ये व्यवस्था करना चाह रहे, महाराज जी थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए जगह चाहिए, महाराज जी धर्मशाला हम भी चाहते निःशुल्क। अभी अभी हरियाणा के साथ हमारी बैठक हुई है, हरियाणा की टीम आई हुई थी और एक दिन में उनका जो बजट है 25 लाख रुपया एक दिन में वो खर्चा करेंगे सिर्फ भोजन कराने के लिए, निशुल्क, कोई शुल्क नहीं, एक रुपया किसी से लेना नहीं। उनका प्रयास है कि जो भी राम जन्मभूमि आए वह व्यक्ति को जरूर हम खाना खिलाकर भेजें, ऐसे भी सेवा करने वाले लोग हैं। इस प्रकार से जो प्रयास है, अभी आपके जो वो जो वहां से जो जुड़े थे अयोध्या से, उन्होंने कहा कि कितने लोगों ने प्राणों की आहुति दिया, सही में उन्होंने कहा, वाकई में कहा। आप समझिए कि जो माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, तो अभी तो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी गोली चलाया, गोली खाने वाले कहां के लोग थे आप समझिए, कोठारी बंधु के लिए भी सरकार ने
ट्रस्ट ने बजट दिया है और जो भी लोगों ने प्राणों की आहुति दिया उनके बारे में भी जानकारी करने के लिए ट्रस्ट ने जगह दिया है, उसका भी डेवलप होगा, उसका भी निर्माण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नव भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, मुझको लगता है भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, किसी दल के नहीं, मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे, आपके परिवार से और देश और दुनिया में रहने वाले हर एक दल के लोगों से, सभी सनातनियों से, आप अलग हटकर अयोध्या जरूर आइए और पर ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करिए, अपने जीवन को धन्य करिए। बिल्कुल, आपने जो बताया, चूंकि यही वो डेवलपमेंट जिसके जरिए रोजगार भी डेवलप हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया महंत राजूदास जी, आप जुड़े इंडिया न्यूज के लिए, आपने समय निकाला और अपनी बातों को रखा, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही अनिल मिश्रा, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता लगातार हम तक जानकारी वहां से पहुंचा रहे थे। तो रामनगरी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर वहां की जनता का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त राम भक्तों की बिल्कुल धूम सी मची है। हर तरफ, चाहे गलियां हो, मठ हो, मंदिर हो, चौबारे हो, हर तरफ राम भक्तों के जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत हो रही है अयोध्या। मेरी मौजूदगी इस वक्त राम जन्मभूमि पथ पर, यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आए हैं दूर दराज से अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए। जिस तरह से 22 जनवरी की डेट करीब आ रही है, राम भक्तों की धड़कनें भी बढ़ती चली जा रही हैं अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए। सभी राम भक्त लालाय से नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ राम भक्त, मैं उनसे भी जानूंगा कैसा अनुभव है इस बार। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम रोहित मल्होत्रा है। रोहित जी कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, आप अयोध्या पहले भी आ चुके, पहली बार आए हैं? पहले बार आए हैं, लेकिन हाँ, रामलला के दर्शन हमने अभी किए हैं, आज ही किए हैं, इससे पहले हनुमानगढ़ी गए थे। अच्छा, आपके आराध्य भगवान श्री राम बस कुछ दिनों में अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी इस बात? ये इसके लिए तो कुछ भी शब्द कहे जाए कम है, जो बरसों से इंतजार था वो आज पूरा हुआ है जाके। कहाँ से आए आप? लखनऊ से आए, संतोष कुमार मेहरोत्रा। अच्छा मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी कैसा लग रहा है अयोध्या के? इसके लिए वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे साथ में क्या नाम है आपका? धीरज कुमार। धीरज जी आप मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे। जी सर, चित्रकूट से है सर। चित्रकूट से आए हैं, जहाँ पर भरत जी गए थे भगवान श्री राम को मनाने, वहां से आए हैं भगवान श्री राम की एक झलक पाने के लिए उनके भक्त है। क्या नाम बताया अपना? धीरज। धीरज जी कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने? अभी हम हनुमानगढ़ी होके आए, आप दर्शन यहाँ किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा जी। अच्छा, आपने मंदिर का दर्शन किया, जो निर्माणाधीन मंदिर है, लगभग लगभग बनकर तैयार है, 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी इस बात? बहुत खुशी है, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता अपने वाणी द्वारा। इसको हमें बहुत खुशी हो रही है कि रामलला अपने गर्भगृह में जाएंगे 22 तारीख को, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत खुशी है क्योंकि रामलला बस गर्भगृह में अपने विराजमान होने जा रहे हैं। तमाम राम भक्त हैं जो जय श्री राम के उद्घोष से झंकृत कर रहे हैं। देखो क्या नाम होगा आपका? सतीश चंद्र। कहाँ से आए? बंटा शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से जी। कहाँ कहाँ दर्शन किया आपने अयोध्या में? आज राम जी के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी किया, पूरा अयोध्या का किया, बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत वर्षों के बाद इंतजार खत्म हुआ जो मोदी योगी सरकार ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे देश की जनता को जो सब मिलकर इसका सहयोग है, और योगी मोदी को जो ये बहुत अच्छा काम किया, और जो बहुत पुरानी लोगों की आत्मा इच्छा थी वो तो सुधार गए, लेकिन जो रह गए वो बड़े खुश नसीब है जो इस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ये बात, जो लोग रह गए वो खुश नसीब है और आज अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। एक दादी है पीछे मुस्कुरा रही, उनसे मैं बात करूंगा। दादी कहाँ से आई हैं आप? मैं तो यही पड़ोस की बस्ती की। अच्छा, बस्ती से आई हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की तपस्या फलीभूत हो रही है और आज आप अपनी आंखों से अपने आराध्य राम को मंदिर में विराजमान होते देखेंगे, कैसा लग रहा है? गंगा बड़ी गोदावरी, तीरथ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ लिए राम होता है। अक्सर अक्सर जो मातृ शक्तियाँ हैं वो कुछ भजन गाते, अगर भजन गाने कहा जाए आप क्या भजन गाएंगे इस वक्त खुशी में? क्या चीज? अक्सर राम भक्त जो है इनको देखकर कुछ गुनगुनाते हैं कि राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, बहार सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आए हैं, कुछ गाकर बताइए खुशी को। यही रही आई है भगवान हो सबरी के घरवा, यही रही आई है श्री राम हो सबरी के घरवा, यही गलियां ये हो श्री राम हो सबरी के घरवा। दादी आप भी आइए, बहुत मुस्कुराए भाई। देखिए सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है जो बुजुर्ग हो गए हैं, कई पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने राम लला का दर्शन नहीं किया, उनको भव्य मंदिर में विराजमान होते नहीं देखा, आज वो शुभ घड़ी आई है कि ये अपनी आंखों से राम लला को भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगी। दादी क्या नाम है आपका? शांति सिंह। शांति सिंह जी हैं आप।
कैसा लग रहा है आप? अरे हम इनके भाभी हैं। आप बाबा बाबा भाई क्या बात है, कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ गाकर बताइए कितनी खुशी है आपको? आप गाएंगे? मुझे भी मन नहीं सर। सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि हमारा भारत पहले ताजमहल के नाम से जाना जाता था, अब राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ये हुई बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप चौधरी है, मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। और आज हमें आके इतना खुशी हो रही है कि जैसे हमने कई जन्म के बाद ये ऐसा मौका मिला है, और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अयोध्या जो इनका ट्रस्ट बना हुआ, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से कार्य किया है, और जहाँ यहाँ की व्यवस्था है, और साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान है, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने सभी लोगों को बड़े शांतिपूर्वक दर्शन करने का मौका दिया है, और मैं अयोध्या की धरती को और इनके यहाँ के लोगों को ये प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोगों ने कितने हैं जन्म के अंदर ये किया, जब आपने इसमें धरती के अंदर जन्म लिया है। यही रही आई है भगवान हो सबरी के घरवा, यही रही आई है श्री राम हो सबरी के घरवा, यही गलियां ये हो श्री राम हो सबरी के घरवा। दादी आप भी आइए, बहुत मुस्कुराए भाई। देखिए सबसे ज्यादा खुशी उनको होती है जो बुजुर्ग हो गए हैं, कई पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने राम लला का दर्शन नहीं किया, उनको भव्य मंदिर में विराजमान होते नहीं देखा। आज वो शुभ घड़ी आई है कि ये अपनी आंखों से राम लला को भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगी। दादी क्या नाम है आपका? शांति सिंह। शांति सिंह जी हैं आप, कैसा लग रहा है आप? अरे हम इनके भाभी हैं। आप बाबा बाबा भाई क्या बात है, कुछ अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ गाकर बताइए कितनी खुशी है आपको? आप गाएंगे? मुझे भी मन नहीं सर। सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि हमारा भारत पहले ताजमहल के नाम से जाना जाता था, अब राम मंदिर के नाम से जाना जाएगा। ये हुई बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप चौधरी है, मैं राजस्थान से हूँ, जोधपुर से। और आज हमें आके इतना खुशी हो रही है कि जैसे हमने कई जन्म के बाद ये ऐसा मौका मिला है, और इसके लिए मैं तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ अयोध्या जो इनका ट्रस्ट बना हुआ, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से कार्य किया है, और जहाँ यहाँ की व्यवस्था है, और साथ साथ जो सीआरपीएफ के जवान है, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने सभी लोगों को बड़े शांतिपूर्वक दर्शन करने का मौका दिया है, और मैं अयोध्या की धरती को और इनके यहाँ के लोगों को ये प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप लोगों ने कितने हैं जन्म के अंदर ये किए, जब आपने इसमें धरती के अंदर जन्म लिया है। और मैं भारत देश के अमन और चैन की कामना करता हूँ, प्रभु राम से ही आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर शांति और चैन बना रहे, और मोदी जी आने वाले समय। एक सवाल, कई पीढ़ियां गुजर गई, राम लला का भव्य मंदिर देखने की एक लालसा दिल में थी, वो लालसा के रह गई। आज आप अपनी आंखों से 22 जनवरी को राम लला को भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होते देखेंगे, या यूं कहा जाए ताट से ठाट की तरफ अपने आराध्य को आप अग्रसर होते देखेंगे, कितनी अनुभूत, कितनी खुशी इस बात? हमें इतनी जबरदस्त खुशी हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको इस आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे पीले चावल भी आ चुके हैं, और उन पीले चावल को हम लेके हमारे घर में, हमारे आसपास जो भी मंदिर होगा, जो 11 से लेके 2 बजे के बीच के अंदर हम सभी लोग श्री राम की प्रभु की गाथा गाएंगे, उनके नाम का वचन करेंगे, साथ ही साथ सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे। मैं आपके मीडिया माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक देशवासी को ये प्रण लेना चाहिए कि ये 22 जनवरी को जो ये मौका आ रहा है, अपने जीवन में मौका आ रहा है, अपन बहुत भाग्यशाली है, इस सदी के अंदर अपन को ये ऐसा दिन देखने को मौका मिल रहा है। तो अपन लोगों को प्रण लेना है कि अपन को 11 से लेकर 2 बजे के बीच में अपने छोटे बच्चे, अपने पड़ोस वाले, अपने माँ बाप सबको लेकर बैठा के सुंदरकांड का पाठ का आयोजन करें, जिसकी शक्ति जिसकी पावर आपके और परिवार को मिलेगा, जिससे अपना देश आगे बढ़ेगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा। प्रवेश नगर की जय, सब गाजा हृदय राख कौशलपुर राजा, तमाम भक्त हैं और भी जानूंगा। क्या नाम है आपका भाई? मैं आदर सिंह राघव। कहाँ से आए हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए हैं, कैसा लगा आपको आज ये अद्भुत दिव्य नजारा देखा? अभिभूत करने वाला सब कुछ। अच्छा, अभिभूत किया इस पूरे दृश्य को देख के, एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ कि बहुत सालों से जिस चीज का इंतजार हम सब। अच्छा, अयोध्या के विकास की भी बात कर लिया जाए, कैसा विकास दिख रहा है अयोध्या? निश्चित रूप से नए पुल, सड़कें, चौड़ी सड़कें, और एक प्रकार के अभी तक हमने जयपुर में एक रंग के बिल्डिंग्स देखी थी, लेकिन यहाँ आके मैं देख रहा हूँ तो सब कुछ समान रंग में, भगवा रंग से रंगा हुआ पूरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। सारे राम भक्त यहाँ पर विराजमान है, अपने आराध्य के दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने दर्शन किया। कुछ लोग और भी है, मैं उनसे भी जानूंगा कि कितनी खुशी इस बात की। कहाँ से? आई हैव कम फ्रॉम लखनऊ, and really it is really very nice to see these things. Everyone should visit here, everybody should visit Ayodhya, very nice. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram ke udghosh se jhankrit ho rahi Ayodhya, kyunki aaj Ayodhya ka rom rom jhankrit ho raha hai Jai Shri Ram ke udghosh se. Yahan har pal
जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, चाहे गलियां हो, मठ हो, मंदिर हो, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा है। इंतजार है उस घड़ी का जब रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वह वक्त ऐतिहासिक होगा। अयोध्या के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ेगा। सारे राम भक्तों का इंतजार है 22 जनवरी का। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के साथ इस खास बुलेटिन से, इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।